हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट शेयर के ऊपर। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे उन सभी स्टॉक से रिलेटेड न्यूज के ऊपर और फिर टेक्निकली सभी लेवल्स को भी ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो काफी आपको हेल्प करने वाला है टेक्निकल एनालिसिस को सीखने में, साथ ही साथ सभी इंपॉर्टेंट न्यूज को भी जानने में। तो आराम से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको सभी जानकारी अच्छे से मिल जाए। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड। स्टॉक में आज हम लोगों को एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला। स्टॉक जो है फाइनली आपको 17.5% के तेजी के साथ क्लोज हुआ है। एक बहुत ही जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में आज के सेशन में देखने को मिला। और अगर पूरे वीक की बात करेंगे तो पूरे वीक में स्टॉक जो है 18.62% के तेजी के साथ क्लोज हुआ है। लास्ट वन मंथ में स्टॉक 39.3% के तेजी के साथ क्लोज हुआ है। तो आखिर आज किस वजह से स्टॉक में इतना जबरदस्त तेजी देखने को मिला है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। किस न्यूज की वजह से मिला है बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग लगातार जो है कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है उसको शेयर करते रहते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे डे बिफोर यस्टरडे मैंने डिफेंस स्टॉक के ऊपर दिया था, मॉर्निंग सेशन में मैंने बोल दिया था जो यहाँ पे डिफेंस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद से अगर आप चार्ट को देखेंगे 3 जुलाई को 11 AM के बाद से आप जाके प्राइस का मूवमेंट देखिएगा कहाँ पे BEML ट्रेड कर रहा है। BEML तकरीबन जो है 600-700 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। मझगांव डॉकयार्ड में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। कोचीन शिपयार्ड तकरीबन ऑलमोस्ट आपको 500 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। कोचीन शिपयार्ड का कॉल मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी दिया था, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे 2340 के लेवल पे मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में दिया था, 2620 का टारगेट था और स्टॉक जो है 2800 से भी ज्यादा का हाई लगाया है। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है। हर वो चार्ट हम लोग शेयर करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे कि एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है या फिर अपने ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट कर रहा है। तो काफी आपको हेल्प मिलेगा, टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर सपोज आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन क्लास जो है इस वीक से स्टार्ट होने वाला है, तो आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सारा डिटेल जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। संडे से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, अच्छे से सीखना है, डिटेल में सीखना है, तो फिर आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास समय नहीं है एनालिसिस करने का खुद से और आप जो है एक हाई क्वालिटी स्विंग ट्रेडिंग कॉल चाहते हैं तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप का सारा डिटेल आपको पिंड मैसेज में मिल जाएगा। अभी संडे तक ये डिस्काउंट है। अगर आप संडे तक इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1000 रुपीज पर मंथ में आपको ज्वाइन हो जाएगा। एक बार ये ऑफर खत्म हो जाएगा इसके बाद आपको हायर प्राइस पे करना पड़ेगा। तो सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के ऊपर। सबसे बड़ा जो यहाँ पे न्यूज है, कंपनी ने DMRC के साथ MOU साइन किया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है जो इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साइन किया है। अब ये आपको किस वजह से साइन किया गया है, ये आपको किया गया है जो भी प्रोजेक्ट इंडिया में या फिर अब्रॉड में आपको होगा DMRC का या फिर आपको रेलवेज का, हाई स्पीड रेल का, हाईवेज का, मेगा ब्रिजेस का, टनल का, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का, वर्कशॉप का, डिपोर्ट्स का, SNT वर्क का या रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का, यानी कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो मेजर प्रोजेक्ट होगा उन सभी का जो है आपको सर्विस प्रोवाइडर, प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको RBL RBNL होने वाला है।
तो यहाँ पे जो है आरबीएनएल आने वाले समय में काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा जो है इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से ऑर्डर मिल रहा है, स्पेशली रेलवे से लगातार जो है कंपनी के पास कई सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और इसी एक न्यूज की वजह से। क्योंकि अगर ये पूरा पैक को देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारा आपको काम होने वाला है, इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में जो भी प्रोजेक्ट होगा, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में जो है आरबीएनएल जो है वो आपको इन्वॉल्व रहेगा। फिर डेफिनेटली जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा कंपनी का, कंपनी को उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, और इसी एक न्यूज की वजह से आज कंपनी में जबरदस्त स्टॉक प्राइस में तेजी देखने को मिला। अब अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, इससे पहले मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किया था, यहाँ पे अगर देखेंगे 17 मई को मैंने अपडेट किया था जो यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, 292 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 18 मई को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, 300 के लेवल के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया था, और उसके बाद से अगर देखेंगे तकरीबन 200 पॉइंट स्टॉक ऊपर जा चुका है, यानी कि एक बहुत ही शानदार रैली इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है। और अगर इसी टाइप के चार्ट पैटर्न का अपडेट जो है आपको लगातार टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट मिलता रहता है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, तेजी हुआ, तेजी के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे आपको एक अच्छा क्लोजिंग दिया, और उसके बाद एक शानदार तेजी देखने को मिला। यहाँ पे स्टॉक लगातार मोमेंटम कर रहा है, अभी रिट्रेसमेंट आया नहीं है, इसका मतलब एक रिट्रेसमेंट अभी इस स्टॉक में पेंडिंग है, तो यहाँ पे आपको इमीडिएट बाइंग नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों को रहता है जो नहीं, स्टॉक और ऊपर चला जाएगा क्योंकि पता नहीं है जो रिट्रेसमेंट कब आएगा। तो अगर आपको ये लग रहा है जो स्टॉक मिस ना हो, तो आप यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे, आप एसआईपी मोड में ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखेंगे तो स्टॉक बहुत जबरदस्त तो वर्टिकल रैली यहाँ पे कर चुका है, इसी वजह से अगर आप एसआईपी मोड में करेंगे तो डिप भी होगा, तो आप यहाँ पे आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। इस वजह से अगर आप इस स्टॉक को लेना चाहते हैं तो आपको एसआईपी मोड में लेना चाहिए, आपको एग्रेसिवली बाय नहीं करना चाहिए। चलिए सेकंड स्टॉक की बात करते हैं, सेकंड स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। इस स्टॉक में आज 10.25% से ज्यादा का तेजी देखने को मिला, और लास्ट वन मंथ की अगर बात करेंगे स्टॉक 29.36% के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को अगर देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी को 751 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर आपको किसके थ्रू मिला है, ये ऑर्डर दिया गया है आरबीएनएल के थ्रू। यहाँ पे जो है कंपनी का इरकॉन, पारस, रेलटेक और पीसीएम का जो है एक ज्वाइंट वेंचर है, जिसको कि लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 751 करोड़ का। ये पूरा प्रोजेक्ट है आरवीएनएल के द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट आपको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे इरकॉन का जो आपको शेयर है 60% का है, पारस का 25% का है, और पीसीएम स्ट्रेसकॉन ओवरसीज का जो है 15% का यहाँ पे आपको शेयर है। तो इरकॉन को मेजर बेनिफिट होने वाला है, तकरीबन अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 450 करोड़ का जो है शेयर वो आपको इरकॉन के पास है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये पूरे प्रोजेक्ट है, ये है डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ ब्रॉड गेज बैलेस्टलेस ट्रैक। ये आपको कहाँ पे होने वाला है, ये होने वाला है ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच में, उत्तराखंड में जो है ये आपको होने वाला है। और इसी वजह से इस स्टॉक में आज हम लोगों को 10% का एक शानदार तेजी देखने को मिला, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया है, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली जो है इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो एक काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिलेगा आने वाले समय में। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक मल्टीपल इनसाइड कैंडल का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में जो है बहुत जल्द हम लोगों को 350-400 का लेवल देखने को मिल सकता है, नीचे की साइड में एसएल जो है 260 के नीचे प्लेस करके रख सकते हैं, ऊपर की साइड में एक शानदार तेजी दिख सकता है। चलिए अब थर्ड स्टॉक की बात करते हैं, थर्ड स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम। स्टॉक में आज हम लोगों को ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिला, तकरीबन 2.25% स्टॉक ऊपर क्लोज हुआ है, और इस पूरे वीक में स्टॉक साइडवेज ट्रेड किया है 0.61% के तेजी के साथ।
इस कंपनी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो है आपको एक मेजर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 900 करोड़ का जो है आपको इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 3 to 4 ईयर में कंपनी करने के लिए जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट किस वजह से होगा? ये इन्वेस्टमेंट होगा आपको पैसेंजर और फ्रेट बिजनेस के लिए। टीटागढ़ जो है वो आपको वैगन बनाने का काम करता है, पैसेंजर और एज वेल एज जो कार्गो वैगन होता है उसको बनाने का काम करता है। रिसेंटली कंपनी ने 150-200 करोड़ जो है ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था और अपने कैपेसिटी को 700 वैगन पर मंथ से 900+ वैगन पर मंथ फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड में ऑलरेडी कर चुका है। अब यहाँ पे कंपनी का प्लान है 1000 वैगन पर मंथ जो है यहाँ पे आपको कंपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है यहाँ पे आपको डिमांड होने वाला है। काफी ज्यादा ट्रेन में रस होने की वजह से गवर्नमेंट जो है आपको काफी सारे वैगन्स का ऑर्डर यहाँ पे निकालने वाला है, जिसका कि बेनिफिट टीटागढ़ वैगन्स को देखने को मिल सकता है। चार्ट्स के ऊपर अगर बात करेंगे तो स्टॉक में रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। ऑलरेडी स्टॉक जो है बहुत रैली कर चुका है। इस स्टॉक को ऑलरेडी हम लोगों ने 1250 के लेवल पे पोस्ट किया था और उस लेवल से स्टॉक अगर देखेंगे तो तकरीबन 600 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का वेट क्लियरली करना चाहिए, यहाँ पे अभी आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है रेलटेल कॉरपोरेशन। रेलटेल कॉरपोरेशन में अगर देखेंगे 6.5% का उछाल आज के सेशन में देखने को मिला और इस पूरे वीक में स्टॉक 11% के तेजी के साथ क्लोज हुआ है। इस कंपनी में अगर हम लोग देखेंगे तो 8 जुलाई को यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होने के लिए जा रहा है। इस कंपनी का बोर्ड मीटिंग जो है 8 जुलाई यानी कि मंडे के सेशन में होने के लिए जा रहा है और यहाँ पे आपको कंपनी कंसिडर करने जा रहा है अपने डिविडेंट। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो डिविडेंट होगा वो कंपनी यहाँ पे आपको अनाउंस कर सकता है। तो ये कंपनी जो है आपको मंडे को फोकस में रह सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस स्टॉक में भी एक अच्छा कंसोलिडेशन रेंज का हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक जो है प्रीवियस वीक में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिला 500 के लेवल से, बट अब स्टॉक ने यहाँ पे इस सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लिया है और एक अच्छा कंसोलिडेशन रेंज, लास्ट 6 मंथ का एक अच्छा कंसोलिडेशन रेंज हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक में और फर्दर तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी ब्रेकआउट है और उसका कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऊपर की साइड में जो है 600-650 की तरफ जा सकता है। नीचे की साइड में जब तक स्टॉक 400 के नीचे नहीं निकलता है तब तक इस स्टॉक में हम लोगों को कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।